अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल क्लास एंड ऑनरेबल सर। टुडे आई माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज एडजस्टमेंट एंट्रीज। व्हाट आर एडजस्टमेंट एंट्रीज? हमने पहले कल देखना है कि व्हाट आर एडजस्टिंग एंट्रीज। हमने पहले पहले एडजस्टिंग एंट्रीज के बारे में देखना है कि इट इज when the account data is being brought up to date at statement time. जब अपने किसी भी रिकॉर्ड को अप टू डेट करते हैं, यानी कि उसे फ्रेश करते हैं, उसे रीचेक करते हैं, और अब जब हमारे स्टेटमेंट का एंडिंग टाइम होता है, जिसे हम मेकिंग द एडजस्टमेंट कहते हैं, हम एडजस्टमेंट उस वक्त बना रहे होते हैं, उसे अप टू डेट कर रहे होते हैं, रिफ्रेश कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि हमने कहीं गलती तो नहीं की, हम कहीं भूल तो नहीं गए। In most cases, an adjusting entry is assigned amount of revenue or expense to the appropriate accounting period before finalizing the books for the fiscal period. Fiscal period को हम दूसरे अल्फाजों में accounting period भी कह सकते हैं कि हमने कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए, कि कितने सालों के लिए अपने accounting period बनाया हुआ है। अगर हमने 6 महीने के लिए अपने accounting period बनाया है, तो हम 6 महीने के आखिर में ये देखेंगे कि हमने कितना रेवेन्यू किया, उसमें से कितना एक्सपेंस किया, और उसे एक अप्रोप्रिएट मेथड के साथ, एक सही से मेथड के साथ हम रिकॉर्ड में रखेंगे। व्हाई डू वी नीड टू मेक एडजस्टमेंट्स? हमें एडजस्टमेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? व्हेन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट द अकाउंटेंट मस्ट मेक श्योर ऑल द इनकम। जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, तो अकाउंटेंट को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो ये हैं, नंबर वन है, ऑल अकाउंट्स आर ब्रॉट अप टू डेट बाय कंप्लीटिंग एडजस्टिंग एंट्रीज, कि तमाम जो अकाउंट हैं वो अप टू डेट हों, उन्हें दोबारा से रिचेक किया जाए, उन्हें रिफ्रेश किया जाए, उन्हें देखा जाए कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, उन्हें मुकम्मल करने से पहले तमाम एंट्रीज को, जब आखिर में ये कहते हैं कि फिस्कल पीरियड, उसके आखिरी पीरियड से पहले। All late transactions are taken into account. तमाम जो late transactions होती हैं, हम उन्हें भी अपने account में जोड़ते हैं, में adjusting entries में जब हम करते हैं। जैसे कि हमने कोई transaction की है, हम उसे record में रखना भूल गए हैं या कहीं पर लिखना भूल गए हैं, तो जब हम adjusting entries करते हैं, तो उस वक्त हमें ये बहुत ज़्यादा helpful होता है कि late transaction भी हम कर सकते हैं। All calculation have been made correctly. तमाम तर कैलकुलेशन जो होती हैं वो दुरुस्त बनती हैं। All accounting principle and standard have been followed. और इसमें तमाम जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल होते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो लॉज होते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। अब हमने देखना है कि एक्यूरल अकाउंटिंग क्या है। एक्योर मीन्स टू ग्रो और एक्यूमुलेट ओवर टाइम। हम टाइम के साथ साथ कितना ग्रो किया हमने, हमने वक्त गुजरने के साथ साथ रफ्तार पकड़ी है, या हम पीछे की तरफ आए। हम एक्यूरल अकाउंटिंग में ये देखते हैं, एक्यूरल अकाउंटिंग मीन अटेम्प्टिंग टू रिकॉर्ड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे हैपन। एक्यूरल अकाउंटिंग का मतलब है कि हम रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को उस वक्त अपने पास रिकॉर्ड में जगह देते हैं जब वो हैपन होते हैं, जब वक्र होते हैं, जब वकू पजीर होते हैं। मिसाल है कि आज हमने कोई ट्रांजेक्शन की है, या हमने कोई रेवेन्यू अर्न किया है, या कोई एक्सपेंस हमने किया है, तो हम आज ही उसका रिकॉर्ड अपने पास महफूज कर लेंगे, रिगार्डलेस ऑफ वेदर कैश इज रिसीव्ड और पेड। हम ये नहीं देखेंगे हमने जो कैश है वो रिसीव्ड किया है या हमने पेड किया है, हम उसे अपने पास रिकॉर्ड में रखेंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज के बारे में वही बताया जाते, इस स्लाइड में बताया जा रहा है कि ये जो है अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पीरियड के लिए इस्तेमाल होती है। सेम टाइम में हम इसको करते हैं, बैलेंस शीट में हम इसको ट्रू वैल्यू में रखते हैं। अब एडजस्टमेंट क्या है, व्हाट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट? फर्स्ट वन इज सप्लाइज, सेकंड वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, थर्ड वन इज लेट पेमेंट्स, एंड द लास्ट वन इज अनअर्न्ड रेवेन्यू। अब हम इनके सब के बारे में एक एक करके देखते हैं कि सप्लाइज क्या है। सप्लाइज अकाउंट इज वन ऑफ दोज अकाउंट दैट अलाउज टू बिकम इनएग्जैक्ट बिटवीन स्टेटमेंट डेट। जो भी इनएग्जैक्ट चीज़ें होती हैं हमारे स्टेटमेंट डेट्स के दरमियान, हम सप्लाइज में उसे रखते हैं। देयरफॉर सप्लाइज आर रिकॉर्डेड एज परचेजेस कॉस्ट एंड रिक्वायर एन एडजस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। हम परचेजेस और कॉस्ट को
एक एडजस्टमेंट के तौर पर आखिर में रखते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग पीरियड इसको फिस्कल पीरियड भी, जैसे हम पीछे कह कर आए हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि एन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड दिस ईयर विद $1,480.90 ऑफ सप्लाइज एंड इन्वेंट्री काउंट ऑन दिसंबर 31 रिवील्स दैट $954.90 वर यूज्ड अप। एक ऑर्गेनाइजेशन ने सप्लाईज की है $14,1480.90 की सप्लाई की है, उसमें इनका इन्वेंट्री हम काउंट कर लेते हैं 31 दिसंबर तक हमें मालूम होता है, उसमें से हमने $954.90 हमने इस्तेमाल कर लिए हैं, तो हम उसको रिकॉर्ड में किस तरह रखेंगे? पहले पहले हम लिखेंगे कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी, $1,480.90 हमने यूज कितना कर लिया, $954.90 ये है एडजस्ट यूज्ड हमारे जो एंट्री हुई है। अब इसमें से बकाया बच गए हमारे पास $526, यही देखें ये एडजस्टिंग एंट्रीज यूज्ड है, जो वही की वही रकम लिखेंगे जो हमने यूज की थी। लेट पेमेंट और इनवॉइस इनकर्ड हैपन एट द एंड ऑफ ईयर। अब हमारे कुछ साल है, हमने देखना है कि हमने कोई कितनी पेमेंट्स को लेट पेमेंट अदा किया है, ये हमने कोई और पेमेंट या ट्रांजैक्शन जो हमारी लेट हुई हैं हम उनके बारे में रिकॉर्ड रखते हैं। इसके अंदर एक और प्रिंसिपल आता है जिसे हम मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल स्टेट दैट ईच एक्सपेंस आइटम रिलेटेड टू रेवेन्यू अर्न मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड एज द रेवेन्यू इट हेल्प टू अर्न। जैसा कि हम मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जैसे ही हमने कोई आइटम को रेवेन्यू किया है, उससे रेवेन्यू अर्न किया है, वो हम सेम अकाउंटिंग पीरियड में रखेंगे जिससे हमने अर्न किया होता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? टेलीफोन बिल्स, हम टेलीफोन बिल को लेट पेमेंट में अदा कर सकते हैं। बाज वक्त ऐसा होता है कि हम कोई बिल्स, टेलीफोन बिल्स होते हैं वो लेट पे करते हैं। ट्रक रिपेयर, हम जैसे ट्रक करा लेते हैं, ट्रक रिपेयर कर लेते हैं। ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये और भी मुख्तलिफ तरह के जो एक्सपेंस होते हैं, एंड मैनी मोर। प्रीपेड प्री पेमेंट्स, जो हम पहले अदा करते हैं कोई सर्विस हासिल करने से पहले जो हम पैसे देते हैं वो प्री पेमेंट्स होती हैं, जिन्हें हम एडवांस कहते हैं। व्हेन समथिंग इज पेड इन एडवांस बट बेनिफिट एक्सटेंडेड पोस्ट फिस्कल पीरियड। पोस्ट फिस्कल पीरियड वो होता है कि हमें पेमेंट तो पहले दे दें लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो हमें फिस्कल पीरियड में मिले, वो हमें एंडिंग पीरियड में मिले, वो जब हमारा साल खत्म हो, फिस्कल पीरियड अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो, हमें अर्न हम उसका बेनिफिट उस वक्त ले सकें। इसके एग्जांपल में है लाइसेंस वगैरह, जैसे कि हम कोई लाइसेंस बनवाते हैं तो उसका पैसे हम पहले देते हैं, लाइसेंस हमें बाद में मिलता है। जैसे रेंट होता है, हम कोई घर या कोई दुकान वगैरह किराए पर लेते हैं तो उसके लिए भी हमें पहले पेश की कीमत देनी पड़ती है, एडवांस कीमत देनी पड़ती है, तब जाकर हमें दुकान या कोई घर वगैरह किराए पर मिलता है। इंश्योरेंस भी इसी तरह है कि हम जब इंश्योरेंस बनाते हैं पहले हम इंश्योरेंस बना लेते हैं, कि जैसे कि बीमा पॉलिसी बना ली किसी ने तो पहले पैसे जमा कराएगा अपने, पहले पैसे वो जमा कराता है, अगर बाय हैपन वो मर जाता है तो उसके बाद उसके वारिसान को उसकी इंश्योरेंस दी जाती है, उसकी बीमा दिया जाता है जो कराता है। और ये है अर्न अर्नड रेवेन्यू। देयर विल बी टाइम व्हेन यू विल वांट टू एडजस्ट रेवेन्यू, ये ऐसा टाइम है जब आप अपने रेवेन्यू को एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट इन एडवांस, कंपनी वुड हैव डिपॉजिट अ चेक फॉर $5,000 इन दिसंबर 23 फॉर वर्क परफॉर्म्ड इन जनवरी ऑफ 24। डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट फीस अर्न होती हैं, ये मस्ट रेवेन्यूज फ्रॉम फीस अर्न अकाउंट अदरवाइज रिकॉर्डिंग।